हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज में हम लोगों ने अभी तक दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिनिश किए हैं। उसमें से एक था आपका बेसिक अलजेब्रा एंड सेकेंड था आपका ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी तक हम लोग फिनिश कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले नए टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस। बेटे, मैं सबसे पहले इसके बारे में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि हालांकि ये जो चीज़ है कैलकुलस, ये मैथमेटिक्स की एक कंप्लीट ब्रांच है। ठीक है, मतलब इसको मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा जाता है। अगर आप जेई के स्टूडेंट होते, ठीक है, अगर आपने इंजीनियरिंग ऑप्ट किया होता, जेई के स्टूडेंट होते, तो आपको एक पूरी बुक पढ़नी पड़ती है कैलकुलस की। ओके, और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस बुक को, यानी इस ब्रांच को, कैलकुलस को जिसने बनाया, जिसने लिखा, जिसने इसकी इसको फॉर्मुलेट किया, वो थे न्यूटन साहब। ठीक है, आपने उनके बारे में जरूर सुना होगा कि उन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा है कि कोई भी दो बॉडी हो वो एक दूसरे को हमेशा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, चाहे वो ब्रह्मांड में कहीं पर भी हो, है ना, जिसे हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। तो उसके पीछे आपने स्टोरी भी सुना होगा कि एक एप्पल के पेड़ के नीचे न्यूटन साहब बैठे हुए थे, वहाँ से एप्पल गिरा और फिर उन्होंने सोचा कि ये नीचे ही क्यों आया, इधर उधर क्यों नहीं गया। ठीक है, और वहाँ से उन्होंने फिर ये किया, डिराइव किया फेमस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि आपका आया था F इक्वल्स टू कैपिटल जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, है ना, ऐसा एक इक्वेशन आया था, F इक्वल्स टू कैपिटल जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। आप सभी बच्चों ने जरूर पढ़ा होगा इसको। ठीक है, सभी बच्चों ने जरूर पढ़ा होगा। तो बेटे, ये जो आइडिया था ना उनका, हाँ, वो उन्होंने मतलब बहुत जल्दी उनको समझ में आ गया था कि इसके पीछे का आइडिया क्या है। बट फिजिक्स, जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है, फैक्चुअल सब्जेक्ट है, फैक्ट पर बेस्ड है, हवा हवा में कुछ बातें नहीं होती है। इसमें आपको क्या करना होता है, प्रूफ करके बताना होता है। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज को प्रूफ करने के लिए पूरी की पूरी एक मैथमेटिक्स की ब्रांच बना डाली जिसका नाम कैलकुलस है, और इस पर उन्होंने 20 साल काम किया। ठीक है, 20 ईयर्स तक काम किया, उन्होंने एक पूरी की पूरी मैथमेटिक्स की ब्रांच बना डाली सिर्फ न्यूटन्स लॉज ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को फॉर्मुलेट करने के लिए। ठीक है बेटे, तो आप इस चीज से समझ सकते हो कि इसकी इंपॉर्टेंस फिजिक्स में कितनी ज्यादा है, है ना, क्योंकि ये बनाया ही गया था फिजिक्स के लिए, है ना। हालांकि मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, बट इसको बनाया गया था फिजिक्स को पढ़ने के लिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। ठीक है बेटे, तो कैलकुलस इज वेरी वास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बट हमें जो जरूरत है, हमें जितनी जरूरत है वो बहुत थोड़ा ही है। मतलब इन सब चीज़ों से आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि जेई वाले इतना पढ़ते होंगे, हम कितना पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। हमें बहुत थोड़ा ही पढ़ना है, हमें पूरी मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी, हमें पूरी कैलकुलस नहीं पढ़नी है, हमें उसकी कुछ बेसिक चीज़ें जाननी है जो हमें अप्लाई करने में, अप्लाई जहाँ पर जरूरत होगा वहाँ पर करेंगे। ठीक है बेटे, तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लेंगे, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बेटे, यहाँ ये जो कैलकुलस है ना, इसमें हम लोग दो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, एक कहलाता है बेटा डिफरेंशिएशन एंड एक कहलाता है बेटा इंटीग्रेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये दो टॉपिक अपने को पढ़ने हैं। इन दोनों जो टॉपिक्स की अपने को भरपूर जरूरत पड़ती है, हर चैप्टर में ऑलमोस्ट जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंशिएशन। अच्छा, इसके पहले हम लोग और भी कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में बात करेंगे। देखो बेटा, अगर मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखा इस तरीके से, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, अगर मैंने ऐसा एक इक्वेशन लिखा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है,
आप इसको देखो और देख करके बताओ कि इसमें कितनी चीजें यूज हुई है। तो बेटे इसमें एक x यूज हुआ है, y यूज हुआ है ना, और कुछ नंबर यूज हुए हैं, ठीक है ना। x यूज हुआ है, y यूज हुआ है और कुछ नंबर यूज हुए हैं, ठीक है बेटे। तो अब मुझे ये चीज बताओ कि अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0 रख दूं, y क्या आएगा बेटा? 3 हो जाएगा। y क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर मैंने x की वैल्यू 1 रख दी तो y क्या हो जाएगा बेटे? 1 2 3 3 6 हो जाएगा बेटा। अगर मैंने x की वैल्यू 2 रख दी तो y कितना हो जाएगा बेटा? 2 2 4 4 4 8 3 11। y इज इक्वल्स टू हाउ मच? 11, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो बेटे, हम x की वैल्यू कुछ रख रहे हैं, उसके कोरस्पोंडिंग हमें y मिल रहा है। हमने x चेंज किया, y चेंज हो गया। हमने x फिर से चेंज किया, हमारा y फिर से चेंज हो गया। तो क्या दिख रहा है बेटा कि y की जो वैल्यू है ना, वो x की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे हम x बदलते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा y बदलता जा रहा है, ठीक है। बदल दोनों रहा है, x भी बदल रहा है, y भी बदल रहा है ना, दोनों के दोनों बदल रहे हैं। देखो बेटे, किसी इक्वेशन में अगर किसी क्वांटिटी की वैल्यू लगातार बदलती रहती है, अगर वैल्यूज चेंज होते हैं, हम उसे कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। हम उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल। आ रही बात समझ में? और अगर किसी चीज की वैल्यू नहीं बदलती है तो हम उसे कहते हैं कॉन्स्टेंट। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन दिख रहा है उसमें आपको एक्स और वाई क्या दिख रहा है? वेरिएबल दिख रहा है। और ये जो नंबर है 3, वो क्या है बेटा? कॉन्स्टेंट है। 3 की वैल्यू बदलने वाली है? नहीं बदलने वाली है, ठीक है। तो ये जो टर्म है इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। ये जो टर्म है इसकी वैल्यू बदल जाएगी जब मैं x बदलूंगा, इसकी वैल्यू बदल जाएगी जब मैं x बदलूंगा, इसकी वैल्यू बदल जाएगी जब मैं x बदलूंगा, ठीक है बेटे। तो ये जो टर्म है वो कॉन्स्टेंट है, ये सारे टर्म्स क्या है? वेरिएबल है। तो आपको समझ में आ रहा है बेटा कि कॉन्स्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, ठीक है बेटे। तो यहां से मैंने बोला बेटा व्हाट इज कॉन्स्टेंट, तो क्या बोलोगे बेटे? ए टर्म हुज वैल्यू डज नॉट चेंज इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट, इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो टर्म है वो क्या है? कॉन्स्टेंट। वेरिएबल, वेरिएबल नाम से ही समझ में आ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। तो अ टर्म हुज वैल्यू चेंजेस इज कॉल्ड वेरिएबल, ठीक है बेटे। इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। आ रही बात समझ में? अब जो वेरिएबल है ना वो भी दो टाइप के हो सकते हैं वेरिएबल, ठीक है। ये फर्दर हम इसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड दूसरे को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब समझो बेटा कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो बेटा, यहां पर देखो मैं क्या कर सकता हूं, मैं x की वैल्यू मेरी मर्जी चाहे मैं ले सकता हूं कि नहीं। मेरा मन किया मैंने 0 ले लिया, मेरा मन किया मैंने 1 ले लिया, मेरा मन किया मैंने 2 ले लिया, मेरा मन करे मैं 3 ले लूंगा, जो मन करेगा मेरा मैं ले लूंगा। तो ये जो x की वैल्यू है उसको चूज करने के लिए हम क्या है? इंडिपेंडेंट है। हालांकि बदल रहा है लेकिन इंडिपेंडेंटली बदल रहा है, ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, हमारा जो मन करे हम ले सकते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ऐसी वैल्यूज जो मतलब ऐसा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, उसको हम कुछ भी ले सकते हैं, वो क्या कहलाता है बेटा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अंडरस्टूड? सी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हुज वैल्यू चेंजेस इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो यहां पर x जो है वो हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दूसरी जो है क्या है बेटा? डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है समझते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ बेटा
जैसे देखो y की वैल्यू, अब भाई साहब y की वैल्यू 3 सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब हम x की वैल्यू 0 लेंगे। y अपने आप 3 नहीं हो जाएगा, किसी भी वैल्यू x के किसी भी वैल्यू के लिए y 3 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। y की वैल्यू सिर्फ 3 सिर्फ तभी 3 होगा जब हमने x 0 ले रखा है। y की वैल्यू तभी 6 होगा जब हमने x की वैल्यू 1 ले रखा है। y की वैल्यू 11 तभी होगा जब हमने x की वैल्यू 2 ले रखा है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या चूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमारी y की वैल्यू क्या होगी। तो y इज डिपेंडिंग अपॉन x ना, तो y की वैल्यू चेंज हो रहा है। ये बात सही है कि y की वैल्यू चेंज हो रही है, बट वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है? x के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, तो हम इसे क्या कहेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, हूज वैल्यू चेंजेस according to some other variable, ठीक है, किसी और वेरिएबल के कारण अगर चेंज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? अब बेटे एक चीज तो हमें समझ में आ गया कि वेरिएबल मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है ना? एक इंडिपेंडेंटली चेंज हो रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और दूसरा जो है वो एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो जब हम एक ऐसा रिलेशन बनाते हैं जैसा कि यहां पे बनाया है हमने कि y x पे कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है, हाउ y इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना? ये इक्वेशन हमें ये बात बता रहा है, हाउ y इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब एक ऐसा रिलेशन लिखते हो हम उसे कहते हैं फंक्शन। क्या कहते हैं बेटा? फंक्शन। ठीक है, तो व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन, ठीक है, तो इसको कहते हैं बेटा रिलेशन विच डिस्क्राइब्स हाउ अ डिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस विथ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो यहां जैसा कि दिख रहे हो कि y जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा था? x पर डिपेंड कर रहा था, तो हम y को क्या कहते हैं? f ऑफ x कहते हैं, है ना? y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसको क्या पढ़ेंगे? y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, इसका मतलब हुआ x चेंज होगा तो y चेंज होगा, x चेंज होगा तो y चेंज होगा, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो ये हो गया भाई कि फंक्शन क्या होता है। ठीक, अब देखो बेटा फंक्शन जो है ना वो कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, फंक्शन जो है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो आपको मिलेंगे आपके 11 12th में वो हो सकते हैं। एक होता है बेटा, सबसे कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, अलजेब्रिक फंक्शन। दूसरा कॉमन है बेटा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तीसरा हो जाएगा बेटा लॉगरिथमिक फंक्शन। फोर्थ, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक होता है बेटा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से कई तरह के फंक्शन होते हैं। ठीक है, इसमें से बेटे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, बाकी अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये सबसे ज्यादा यूज होता है, ये ज्यादा यूज होता है, ये भी थोड़ा होता है और ये भी थोड़ा होता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होता हमारे में। ठीक है, तो ये सब फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक का मतलब क्या होता है बेटा? अलजेब्रिक का मतलब क्या होता है? जहां आप नॉर्मली प्लस माइनस करते हो वो अलजेब्रा होता है। ठीक है, जैसा अभी आपने लिखा था y equals to
प्लस माइनस होता है, ये सब क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं, ठीक है, मोटे मोटे तौर पर बोल रहा हूं मैं। देन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा बेटा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपको जितने भी आपने ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज पढ़े थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक वगैरह वगैरह, ये सब टर्म्स यूज होंगे, है ना, तो वो हो गया ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, इसमें लॉग होते हैं, लॉग क्या चीज होता है वो अपन इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं, एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे लॉग, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। देन एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल क्या होता है बेटा, ई टू दी पावर जो चीजें होती है उसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं, और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक अपने को पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल कतई नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो बेटे ये सारी चीजें हमें पढ़नी है फंक्शन के, फंक्शन में, ओके। चलिए तो अब आपको समझ में आ गया फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में जो डिफरेंट टर्म्स हैं, किसको वेरिएबल कहेंगे, किसको कांस्टेंट कहेंगे, ये सारी चीजें अपने को समझ में आ गया, ठीक है। चलिए भैया, सी दिस, तो जैसा मैंने बोला कि भाई मैंने एक फंक्शन लिख लिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, ऐसा लिख लिया चलो, ठीक है। तो इसको क्या कह लेंगे बेटा हम, कि दिस y इज अ फंक्शन ऑफ x, दिस y इज अ फंक्शन ऑफ x, यहां तक समझ में आ गया अपने को। अब मैंने जैसा बोला कि इसमें क्या है बेटा, x जो है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो x की वैल्यू चेंज करेंगे, y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। x लिया हमने 0, y आया हमारा 5, x लिया हमने 1, y आया हमारा 8, x लिया हमने 2, y आया हमारा 4, 4, 8, 5, 13, है ना, ऐसा आ गया। x लिया हमने 3, y आया हमारा 3, 3 जा 9, 6, 5, 15, 5, 20, तो इस तरीके से हो रहे हैं बेटा। तो आप क्या देख पा रहे हो कि जैसे जैसे हमने x चेंज किया y चेंज हो रहा है, x चेंज किया y चेंज हो रहा है, x चेंज किया y चेंज हो रहा है। आपने यहां से यहां पर x कितना चेंज किया बेटा, देखो बेटे डेल है ना, कभी भी चेंज वर्ड में बोलूं तो चेंज वर्ड को हम किससे दिखाते हैं, डेल से, ठीक है, किससे दिखाते हैं, डेल से। तो डेल x जो है यहां पर कितना हो रहा है, 1। अच्छा, चेंज का मतलब कभी भी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, 0 से 1 गए तो 1 माइनस 0, यहां पर भी कितने का हमने लिया बेटा 1, यहां पर भी कितने का चेंज लिया बेटा मैंने 1। तो इससे हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ y भी चेंज हो रहा है, 5 से 8 हुआ, 8 से 13 हुआ, 13 से 20 हुआ, यहाँ पर कितने का चेंज हुआ बेटा, 3 का चेंज हुआ, यहाँ पे कितने का चेंज हुआ बेटा, 5 का, यहाँ से कितने का चेंज हुआ बेटा, 7 का, है ना, इस तरीके से क्या हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है बेटा, कि आप थोड़ा भी x को चेंज करोगे ना, है ना, इसमें थोड़ा भी x को चेंज करोगे तो y चेंज हो जाएगा, है ना बेटे, आप थोड़ा सा भी चेंज करोगे x को, y चेंज हो जाएगा। तो मान लो बेटे कि मैंने मैंने x में कितना चेंज किया, इतना चेंज किया, तो आपने क्या देखा, आपने क्या ऑब्जर्व किया, y भी चेंज हो गया, कितना चेंज हो गया, डेल y, डेल का मतलब ही क्या होता है, चेंज, है ना, इसको कैसे पढ़ेंगे, डेल का मतलब चेंज, किस में चेंज, तो x में चेंज, तो इसको क्या पढ़ेंगे, चेंज इन x, ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, अगेन डेल मतलब चेंज, किस में चेंज, y में चेंज, तो चेंज इन y, तो हर डेल x के चेंज के कॉरेस्पॉन्डिंग y का चेंज होगा, सारी बात समझ में। अब अगर हमने इनका रेशियो निकाल लिया, हमने ये निकाल लिया कि डेल y और डेल x का रेशियो क्या होगा, ठीक है, डेल y और डेल x का रेशियो क्या होगा, तो बेटे आप अगर किसी चीज को, ठीक है, मैं क्या देख रहा हूं कि भैया x को मैं जब धीरे धीरे चेंज कर रहा हूं तो y कैसे कैसे चेंज कर रहा है, ठीक है, x को चेंज कर रहे हैं और उससे y पर किस टाइप का असर हो रहा है, ये हमें देखना है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डेल y बाय डेल x, ठीक है भैया, हमने डेल x चेंज करके देखा और डेल y हमने कितना हुआ वो निकाल लिया, ठीक है। इसको और बेहतर ढंग से जानने के लिए हम क्या करते हैं, जो चेंजेज है ना वो एकदम से छोटा छोटा करते हैं, बहुत ज्यादा छोटा छोटा चेंज, बहुत ज्यादा छोटा चेंज मतलब इसको कहते हैं इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज। अब ये वर्ड बड़ा अजीब है भैया, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल का मतलब क्या होता है, ठीक है, बहुत छोटा चेंज, यहां पर जब आप डेल लिखते हो तो डेल का मतलब भी चेंज होता है, लेकिन ये छोटा चेंज अगर बहुत छोटा हो, ठीक है, बहुत छोटा चेंज हो, कितना छोटा, जैसे कि 0.1
0.00001 ऐसा। तो बट ये क्या है, लगभग जीरो है कि नहीं, लेकिन जीरो नहीं है, लगभग जीरो है बट जीरो नहीं है, हमारी बात समझ में। तो यहाँ पर जो डेल एक्स है ना वो बहुत छोटा है, ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, क्या लिख सकते हैं, मतलब जो चेंज है वो ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। ध्यान से सुनिए, हमने चेंज बहुत छोटा कर दिया, इतना छोटा कि आप उसको जीरो भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि एग्जैक्ट जीरो होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना, तो हम एकदम जीरो नहीं लेते, ठीक है। तो डेल वाई बाय डेल एक्स में अगर मैंने इसको क्या कर दिया बेटा, अगर इसमें मैंने लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो कर दिया, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये चेंज जो है वो बहुत छोटा हो गया, है ना, ये चेंज जो है बहुत छोटा हो गया। डी का मतलब भी चेंज, डेल का मतलब भी चेंज, डेल का मतलब थोड़ा बड़ा चेंज और डी का मतलब बहुत 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 ही छोटा चेंज, समझ आया, ठीक है। तो बेटा हमने क्या पढ़ा कि x में चेंज करूं मैं y में चेंज होगा, x में बड़ा चेंज करूं मैं y में बड़ा चेंज होगा, x में बहुत छोटा चेंज करूं मैं तो y में भी बहुत छोटा चेंज होगा, तो y में भी क्या होगा बेटा, छोटा चेंज, यानी dy होगा, ठीक है, dy होगा। अब जब आप इसका रेशियो लेते हो dy by dx, ठीक है, जब आप ऐसा करते हो dy by dx, तो इस चीज को कहा जाता है बेटा, इस चीज को क्या कहा जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, है ना, x में चेंज से y कैसे कैसे चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है ना, x को मैंने धीरे धीरे चेंज किया तो क्या y भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, क्या मैंने x को तेजी तेजी से चेंज किया तो y भी तेजी तेजी से चेंज हो रहा है, किस दर से चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है, dy by dx का मतलब ये होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, ठीक है। इसी चीज को कहा जाता है बेटा, इसी चीज को कहा जाता है, यहां पर देखो d by dx को अलग लिख सकता हूं और y हमारा क्या था, फंक्शन था, y हमारा क्या है बेटा, फंक्शन, तो y का क्या कर रहे हैं, d by dx कर रहे हैं, ये जो d by dx है ना, ठीक है, ओके, यहां पर जो d by dx है इसको कहते हैं डेरिवेटिव, यानी ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है, क्या है ये, डिफरेंशिएशन का सिंबल है, तो आप d by dx कर रहे हो मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो, d by dx किसका कर रहे हो बेटा, y का, y क्या है, फंक्शन, हमेशा डिफरेंशिएशन किसका किया जाता है बेटा, फंक्शन का किया जाता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y है ना विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या पढ़ेंगे इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या बोलते हैं इसको दूसरे और एक तरीके से बोला जाता है, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x या डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इस तरीके से हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। तो एक बात, दो बात आप यहां पर अच्छे से ध्यान से याद रखो कि सिंबल क्या होता है, क्या इसे कैसे पढ़ते हैं, तो dy by dx रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, या फिर क्या कह सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि क्या हर समय ऐसे ही लिखा आएगा, हर समय यही लिखा आएगा, नहीं, ये भी सही नहीं है, ठीक है, हर समय हमें यही चीज नहीं लिखना है, हर समय हमें यही चीज नहीं लिखना है, तो फिर क्या करना है, क्या करना है, ध्यान से समझिए। अब y कोई भी चीज हो सकता है, y जस्ट एक हम क्या कर रहे हैं,
टर्म यूज कर रहे हैं, अब वाई की जगह मैं कोई भी टर्म यूज कर सकता हूं, ठीक है। और वाई अभी हमने क्या किया, एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज कराया, मतलब वाई को एक्स पे डिपेंड कराया। तो एक्स इकलौता एक क्वांटिटी नहीं है, इकलौता एक वेरिएबल नहीं है, और भी कई सारी चीज़ें हम ले सकते हैं, जो मेरा मन करेगा हम वो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये भी कह सकते हैं कि भैया वाई बराबर क्या है, टी स्क्वायर प्लस फोर टी, टी स्क्वायर प्लस फोर टी प्लस थ्री, जिसमें टी क्या है सर, टाइम है, टी क्या है, टाइम है। तो अभी मैं क्या बोलूँगा बेटा, वाई किस पर डिपेंड कर रहा है, देखो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, कर रहा है कि नहीं। तो अभी क्या हो गया, वाई टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो वाई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम नाउ, है ना, y अब क्या है, टाइम का फंक्शन है। सिमिलरली बेटा अगर मैं बोलूं कि y बराबर ना, y बराबर मैं लिखता हूं u स्क्वायर प्लस 5u प्लस 10, तो अभी क्या हो रहा है, u पे डिपेंड कर रहा है, आ रही बात समझ में, अभी किस पे डिपेंड कर रहा है, u पे डिपेंड कर रहा है। तो ये y क्या हो गया, u का फंक्शन हो गया, y को हम क्या लिख लेंगे, f ऑफ u, ठीक है, y को क्या लिख लेंगे हम, f ऑफ u लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है जिस चीज पे डिपेंड करेगा वो उस चीज का फंक्शन होगा, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। प्लस प्लस फंक्शन के तौर पर y ही यूज हो ये भी जरूरी नहीं है, फंक्शन के तौर पर y ही यूज हो ये भी जरूरी नहीं है, मैं कुछ भी ले सकता हूं, मैं ले सकता हूं u, ले सकता हूं कि u बराबर क्या है भैया, u बराबर 2t प्लस 5 है, तो y देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, t पर, सॉरी u किस पे डिपेंड कर रहा है, t पर। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, u बराबर f ऑफ t, u इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। अगर मैंने x बराबर लिख लिया बेटा 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 8 ऐसा, तो अभी क्या हो रहा है, x किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पर, तो मैं इस बार x लिख सकता हूं फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। तो ये चीजें चेंज हो सकती है, तो आपको पकड़ना क्या चीज है, आपको समझना क्या चीज है, आपको समझना ये चीज है कि डिफरेंशिएशन किसका करना है, फंक्शन का करना है, डिफरेंशिएशन किसका करना है, फंक्शन का करना है, किसके साथ करना है, जिस पे वो डिपेंड कर रहा है, जिस पे वो डिपेंड कर रहा है। डिफरेंशिएशन किसका करना है, फंक्शन का करना है, किसके साथ करना है, जिस पे वो डिपेंड कर रहा है, सिंपल सी बात है ना, ओके। फॉर एग्जाम्पल तो क्या अब हम सिंबल लिखना सीख चुके हैं, देखते हैं। तो जैसे मैंने बोला बेटा कि y अगर हमने लिखा f ऑफ t, तो बताओ अभी y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन, तो फंक्शन मेरा क्या है, y, तो डिफरेंशिएशन किसका करूंगा, y का करूंगा। किसका फंक्शन है, t का, तो किसके साथ डिफरेंशिएट होगा, t के साथ। तो यहां पर क्या लिखाएगा बेटा, dy by dt लिखाएगा, क्या पढ़ूंगा इसको बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी t, ऐसा लिख दूंगा। अगर मान लो मैंने बोला कि y जो है वो फंक्शन है u का, y इज अ फंक्शन ऑफ u, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करूंगा y का किसके साथ, डिफरेंशिएशन करूंगा y का किसके साथ, जिसका ये फंक्शन है u का है, तो u लिखूंगा, है ना। तो इसको क्या पढ़ूंगा बेटे, डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू u, ऐसा पढ़ेंगे, आ रही बात समझ में। सिमिलरली सिमिलरली बेटा अगर हमने लिखा कि x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो इस बार फंक्शन कौन है, x है, तो किसका डिफरेंशिएशन करोगे बेटा, x का करोगे, किसका है, टाइम का है, तो किसके साथ करोगे, टाइम के साथ। तो एक ही बात दिमाग में बिठानी है, डिफरेंशिएशन करना है फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू वो जिस चीज का फंक्शन है, x टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ डिफरेंशिएट होगा, y टाइम का फंक्शन है तो y टाइम के साथ डिफरेंशिएट हो रहा है, y u का फंक्शन है तो y u के साथ डिफरेंशिएट हो रहा है। तो आपको सिंबल लिखना समझ आ गया, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, है कि नहीं बेटे। चलिए तो जब हमने सिंबल लिखना सीख लिया है ना, अलग अलग सिचुएशन आएगा वहां पर, इस तरीके से आपको समझ आएगा कि ये एक फलाना क्वांटिटी है, वो x y z कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी चीज पे डिपेंड कर सकता है, कभी पोजीशन पे डिपेंड कर सकता है, कभी टाइम पे डिपेंड कर सकता है, कोई अदर क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगा कि फलानी चीज दूसरी चीज की क्या है, एक फंक्शन है, उसे हमें डिफरेंशिएट करना है, जिस चीज का फंक्शन होगा उसके साथ हमें उसको डिफरेंशिएट कर लेना है, ठीक है। चलिए तो बेटे
अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करना है, ये बात समझ में आ गया। जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा तो कुछ रूल्स को फॉलो किया जाता है। अगर आपको ये सिंपल बेसिक रूल्स याद है, ठीक है, अभी तक जो चीज़ें हुई वो आपको समझाने के लिए था, समझ आया अच्छी बात है, नहीं आया तो भी टेंशन लेने की बात नहीं, अभी जो शुरुआत होने वाला है उसको आपको बहुत बेहतर ढंग से सीखना है। ये रूल्स आपको याद होने चाहिए तो आप आसानी से डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। और एक चीज़ आप दिमाग में बिठा लो कि बिना डिफरेंशिएशन आप फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है, बिना इंटीग्रेशन आप फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। ये बेसिक मैथमेटिक्स में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। मैंने 5-7 टॉपिक्स बताए हैं, उसमें जो अगर मैं टॉप 3 बोलूं तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर, ये 3 तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या बोला बेटा, रूल्स होते हैं कुछ। चलिए तो बात करते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, हम कॉमनली y को x का फंक्शन मान करके चल रहे हैं, ठीक है, बाकी जब वेरिएशन आएगा तो आप समझ रहे हो कि कैसे वेरी करना है, ठीक है। तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में फर्स्ट रूल लेंगे बेटा, इसको कहते हैं हम लोग कांस्टेंट रूल। क्या कहते हैं? कांस्टेंट रूल। क्या होता है कांस्टेंट रूल? अगर मान लो इफ जो हमारा फंक्शन है y वो सिर्फ कांस्टेंट पे डिपेंड करता हो, y जो है वो क्या है, एक कांस्टेंट है, y इज अ कांस्टेंट, इफ y इक्वल्स टू कांस्टेंट, अब इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। y का डिफरेंशिएशन करते हैं x के साथ। तो जैसा कि आपको पता है कांस्टेंट क्या चीज होता है, कांस्टेंट इज दैट थिंग या दैट क्वांटिटी व्हिच डजंट चेंज विद एनीथिंग, ठीक है, किसी भी चीज के साथ चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो जब कोई चीज चेंज नहीं होता तो हम उसको कांस्टेंट कहते हैं, समझ गए बेटा। कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू चेंज ही नहीं हो सकती, तो y की वैल्यू चेंज ही नहीं हो सकती। dy क्या चीज है? चेंज ही तो है। d का मतलब मैंने क्या बोला? चेंज बोला। हां, डेल मतलब बड़ा चेंज और d मतलब वेरी छोट, वेरी स्मॉल चेंज, वेरी 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 स्मॉल चेंज, है ना, इनफिनिटेसिमली स्मॉल चेंज, ठीक है। तो है तो चेंज ही ना, जब मैं कह रहा हूं y कांस्टेंट है तो उसमें चेंज ही नहीं होगा, तो dy क्या हो गया बेटा? जीरो, नो चेंज इन y, जीरो, जीरो अपॉन समथिंग क्या, जीरो। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या सीखने को मिला बेटा, कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। क्या? किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, ठीक है। चलिए तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला वाई बराबर 10 है सर, y बराबर 10 है, तो 10 कांस्टेंट है कि नहीं? 10 कांस्टेंट है। तो जब मैं ना कितना भी कुछ भी कर लो, कितना भी सर पटक लो, 10 की वैल्यू नहीं चेंज होने वाली, 10 इज ऑलवेज 10। कोई बोल सकता है कि 10 की वैल्यू कभी 12 हो जाएगी, कभी 14 हो जाएगी, कभी 8 हो जाएगा, ऐसा कभी देखा है आपने? है ना, हमने तो नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, ये कभी बदल नहीं सकता, ठीक है बेटे। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आंख मुंद करके इसको क्या लिख लेंगे? जीरो लिख लेंगे इसका डिफरेंशिएशन। फिर से अगर मान लो y बराबर मैंने ले लिया 4, ये फिर से नंबर है, फिर से एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा सर ने बोला है क्या लिखना है? जीरो लिखना है। तो भैया जीरो लिख लो ना, क्या दिक्कत है? जो चीजें आपको लगता है कांस्टेंट है या क्वेश्चन में गिवन है कि फलानी चीज कांस्टेंट है और उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है, तो उसके डिफरेंशिएशन की जगह आप क्या लिखोगे? जीरो लिखोगे। अगर मैंने लिखा y बराबर पाई, पाई कांस्टेंट होता है कि नहीं? इसकी वैल्यू 3.14 होता है कि नहीं? 22/7 होता है कि नहीं? तो चूंकि कांस्टेंट है, अगेन इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप, dy / dx करोगे तो क्या मिलने वाला है? जीरो मिलना है। कोई भी चीज ले लो बेटा, y बराबर कैपिटल G ले लो, कैपिटल G याद है आपको क्या होता है? कैपिटल G होता है बेटा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू ब्रह्मांड में कहीं चले जाओ इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, और इसका वैल्यू चेंज नहीं होता तो ये कांस्टेंट हुआ। कांस्टेंट हुआ तो डिफरेंशिएशन इसका क्या हो जाएगा बेटे? जीरो हो जाएगा, है ना। तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। ये हमारा रूल नंबर 1 है, ये हमारा रूल नंबर 1 है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया बेटा। चलिए सेकंड,
चलिए सेकेंड रूल जो है बेटा ये कहलाता है पावर रूल। पावर रूल, इफ y इक्वल्स टू x टू द पावर n हो, ठीक है, मान लो y इक्वल्स टू क्या हो, x टू द पावर n हो, तो आपको दिख रहा है बेटा y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ y बराबर x स्क्वायर, तो देखो x बदलूंगा तो y बदलेगा ना, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है बेटा, तो ये डिफरेंशिएट किसके साथ होगा, x के साथ होगा, तो हम क्या लिखेंगे dy वाई बाई डी एक्स, ये इसका सिंबल हो गया बेटा। अब कैसे पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। अब बेटे बताओ इसका रूल समझो, इसका जो पावर है वो सामने में मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर सामने आ गया बेटा, फिर अब जो पावर है ना वो पहले से 1 माइनस हो जाता है, n माइनस 1 हो गया, ठीक है, क्या हो गया n माइनस 1 हो गया, ठीक है बेटे। दिस इज द रूल ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर पावर वाला फंक्शन, ठीक है, पावर वाला फंक्शन रहा तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। एग्जांपल से समझिए, बहुत आसान है, y बराबर अगर हो जाता x का पावर 2, इसका करना है हमें डिफरेंशिएशन dy by dx, पावर कितना है बेटा 2, क्या बोला मैंने, सामने ले आओ, ले आए x पर पावर जो था कितना था 2 था, उसमें से मैंने क्या बोला 1 माइनस कर लो, कर लिया आपने बेटा, तो क्या बचा 2, x का पावर 2 माइनस 1 क्या होता है 1 होता है, क्या 1 लिखने की जरूरत पड़ती है हमें, नहीं पड़ती, तो ये क्या हो गया बेटा 2x हो गया। तो dy by dx right now is 2x, बहुत ही आसान, पावर को लाओ सामने, पावर को कर दो माइनस 1, ठीक है। अगेन अगर मान लो y ले लिया हमने बेटा x x टू द पावर क्यूब, बताओ क्या हो जाएगा dy by dx, अब पावर कितना बेटे 3, लाओ सामने आ गया 3, फिर क्या करोगे पावर को 1 माइनस करोगे, 3 माइनस 1 कितना होता है बेटा, मजा ही आ गया सर, है ना, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें सर, बहुत आसान है ये। चलिए अगली बार y बराबर हमने मान ले लिया बेटा x रेस टू 5, अगेन क्या करोगे dy by dx, पावर कितना 5, लाओ सामने पावर कितना है 5, करोगे क्या माइनस 1, क्या बचेगा 4, तो 5x रेस टू 4 आ जा रहा है। तो ऐसे कितने भी अनगिनत हम चीज़ें ले सकते हैं, है ना, करते रह सकते हैं टाइम पास, है ना, y बराबर क्या ले सकते हैं x रेस टू 8 ले सकते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे dy by dx, सर ने बोला था पावर सामने ला लिया, सर ने बोला था पावर को 1 माइनस कर देना है, 8 माइनस 1 हो गया 7, ठीक है बेटे। तो देखो कितना आसान है ना, बहुत ही ज़्यादा आसान है ना, मज़ा आता है इसको करने में, क्लियर। आई होप कि आपको पावर रूल भी समझ में आ गया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते बेटा रूल नंबर 3 के पीछे, रूल 3 इसको कहते हैं बेटा कोफिशिएंट रूल, कोफिशिएंट रूल। अगर मान लो हमने लिया y बराबर c x टू द पावर n या कोई भी फंक्शन c इंटू f ऑफ x, c इंटू एफ ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाइड है कोई कॉन्स्टेंट टर्म, उसको क्या कहते हैं कोफिशियंट। लाइक y बराबर मैंने लिखा 5x स्क्वायर, तो ये वाला तो फंक्शन है, ये क्या है एक कॉन्स्टेंट टर्म इसके साथ मल्टीप्लाइड है, दिस इज वॉट कोफिशियंट, इसको क्या कहते हैं कोफिशियंट कहते हैं, है ना। अगर मैंने y बराबर 10x क्यूब लिखा है तो ये 10 क्या है बेटा कोफिशियंट है ऐसा, ठीक है। तो बेटे
यहाँ पर अगर कोई कोफिशियंट है तो क्या करना है, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे dy by dx करोगे, तो ध्यान रखना कि जो कोफिशियंट है ना उसको एज इट इज छोड़ देते हैं, क्या करते हैं जैसे को तैसा छोड़ देते हैं, और डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, सिर्फ फंक्शन का करते हैं। तो d by dx किसका करेंगे, फंक्शन का करेंगे, जैसा रूल हमने पहले पढ़ा था उसी तरीके से उसको डिफरेंशिएट कर देना है, जो कोफिशियंट था उसको वैसे किए वैसे रहने देना है। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, मान लो बेटे y बराबर हमने ले लिया 5x raised to 4, ठीक है, चलिए करते हैं dy by dx, मैंने बोला कौन जो कोफिशियंट है उसको वैसे ही छोड़ दो, x raised to 4 का डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन के लिए क्या सिखाया, पावर को सामने लाओ, पावर को एक माइनस करो, तो कितना हो गया बेटा 5 4 20 x raised to 3, है ना, कितना हो गया डिफरेंशिएशन इसका 20 x raised to 3। आ रही बात अच्छे से समझ में आपको, क्लियर है, बहुत ही आसान है बेटा ये सब करना। आगे बढ़ते हैं बेटे, अगर मान लो मैंने बोला कि y इक्वल्स टू है 10x raised to 10 root x, ऐसा लिख दिया, ठीक है, क्या लिख दिया मैंने 10 root x, तो आप सभी को पता होगा बेटे कि रूट एक्स का मतलब क्या होता है, x का पावर 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ऐसा लिख दिया हमने। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, सो dy by dx, ये कितना बेटा कोफिशिएंट कितना है 10, एज इट इज रहेगा, पावर कितना है बेटा 1/2 सामने आ जाएगा, फिर पावर को क्या करना है माइनस 1 करना है, तो इस तरीके से हो जाएगा बेटा, 2 से क्या हो गया ये 5, 5x का पावर क्या बचा बेटा 1/2 माइनस 1, माइनस हाफ बचा बेटा, है ना, क्या बचा माइनस हाफ बचा, तो 5 माइनस हाफ नीचे चला जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा x का पावर हाफ, है ना, और x पावर हाफ का मतलब क्या होता है बेटा रूट, ये देखो कितना आ गया 5/√x, है ना, कितना आ गया बेटे 5/√x, अच्छे से समझा क्या, अच्छे से समझा क्या, ठीक, चलिए और करें, और करें एग्जाम्पल, अगर हमने लिया y इक्वल्स टू 6x का पावर 2/3, ठीक है 6x का पावर 2/3 ऐसा ले लिया, तो बताओ क्या हो जाएगा dy by dx, बता दो 6 क्या है बेटा कोफिशियंट एज इट इज, पावर कहाँ लाए सामने लाए, है ना, पावर को क्या किए एक माइनस किए, क्या बचा बेटा 3 2 जा, तो 4 हो गया, x का पावर क्या बचा 2/3 माइनस 1 करोगे क्या बचेगा बेटे माइनस 1/3, है ना, तो ये आ गया, आप चाहो तो ऐसे छोड़ सकते हो या फिर इसको नीचे लेके जाओगे तो बेटा क्या हो जाएगा x का पावर 1/3, ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। वेल, अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा, तो कोफिशियंट रूल हमें समझ में आ गया। ठीक है, अगर मान लो हमने लिया एग्जाम्पल y इक्वल्स टू 4x का पावर 4, ठीक है 4x raised to 4, क्या हो जाएगा बेटे dy by dx, कोफिशियंट एज इट इज x raised to 4 का पावर 4 सामने, x का पावर 4 माइनस 1 3, कितना हो गया बेटे 16x cube, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 16x cube। ओके, तो ये जो तीन रूल है अभी तक हमने सीखा, पहला सीखा कांस्टेंट रूल, दूसरा सीखा हमने पावर रूल, तीसरा सीखा हमने कोफिशियंट रूल। पावर कांस्टेंट रूल में क्या करते थे, हमेशा डिफरेंशिएशन क्या आता था 0 आता था। पावर रूल में क्या सीखा हमने, पावर को सामने मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पावर को एक माइनस कर लेते हैं, ठीक है बेटे। देन तीसरा रूल हमने सीखा कि अगर कोई कोफिशियंट हो, फंक्शन के पहले कोई कोफिशियंट हो तो कोफिशियंट को कुछ नहीं करते, जो फंक्शन होता है उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं जो भी रूल के तहत वो आता हो, ठीक है, जिस रूल से उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो आप उसको कर लो, कोफिशियंट को साइड में रखो। क्लियर है मेरी बात, तो ये अभी तक हमने तीन रूल पढ़ा है, ठीक है, इस तीन रूल के ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ जो आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए, अभी और भी कुछ रूल्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, अभी इनके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। आइए समझते हैं, एग्जाम्पल पहला,
y बराबर ले लिया बेटा 3, दूसरा y बराबर क्या करना है, फाइंड dy वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। वाई इक्वल्स टू ले लिया 5, वाई इक्वल्स टू ले लिया 6, वाई इक्वल्स टू ले लिया सी, सी समझते हो, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, आपको पता है ना स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, कॉन्स्टेंट होता है, ठीक। तो फिफ्थ वाई इक्वल्स टू, वाई इक्वल्स टू ले लिया हमने मान लो 10, ठीक है, इनका करना है। देन एग्जाम्पल फाइंड डी वाई बाय डी एक्स, पहला y इक्वल्स टू x, दूसरा y इक्वल्स टू x स्क्वायर, तीसरा y इक्वल्स टू x रेस टू 4, चौथा y इक्वल्स टू x रेस टू माइनस 5, फिफ्थ y इक्वल्स टू x रेस टू माइनस 1, ठीक है, y इक्वल्स टू x रेस टू माइनस 1 ये। देन एग्जांपल फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx, पहला y इक्वल्स टू 4x, दूसरा y इक्वल्स टू 16x स्क्वायर, तीसरा y इक्वल्स टू 10x क्यूब, चौथा y इक्वल्स टू 15x रेस टू 4, फिफ्थ y इक्वल्स टू 20x रेस टू 1/2, ठीक है। तो ये इतने 5 5 5 यानी 15 क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, अभी जो हमने 3 रूल्स पढ़े उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे का बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, बाय बाय बच्चों।